I am Ashok Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Dear viewers, आज आपके सामने लेके आए हैं हमारे जो हैं सरेंद्र वर्मा, जो कि धनबाद के हैं, ब्लड ग्रुप है, ये एशियन द्वारिका हॉस्पिटल के जो है अर्लियर इंचार्ज हैं। तो चलिए उनसे जो है आप लोगों को मिलवाते हैं। ऐसा है कि मैं ये सरेंद्र वर्मा जी को जो है इनसे मुलाकात मेरे पहले भी धनबाद एशियन ब्लड बैंक में हुआ था और हमने जो है काफ़ी नज़दीकी से देखा था। आपके सामने आज हैं सरेंद्र वर्मा, जो कि धनबाद के ब्लड ग्रुप बैंक के जो कि है अर्लियर इंचार्ज हैं, एशियन द्वारिका जो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। और ये इनका जो है एशियन ब्लड ग्रुप और ये सरेंद्र वर्मा का जो है सराहनीय योगदान है ब्लड डोनेशन में। और तो इनके बारे में सबसे पहला बात बताएं कि रक्तदान के बारे में बताएं कि रक्तदान क्या होती है और रक्तदान का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, रक्तदान से हमारे समाज को क्या फ़ायदे हैं और हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, सबसे पहले आप थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं अपनी बात को रख सकता हूँ। रक्तदान, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। रक्तदान मतलब होता है कि कोई भी आदमी, अगर उसका कोई भर्ती है मरीज, उसका हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर उसे ब्लड चढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो ब्लड के चढ़ाने के लिए बोलते हैं तो उसके अगेंस्ट में उनको ब्लड डोनेट करना पड़ता है, रक्तदान करना पड़ता है। तो रक्तदान कैसे करता है? कोई भी डोनर, मतलब कि जिसका एज 18 इयर्स है, बॉडी वेट 45 केजी से ज़्यादा है, वो स्वस्थ हैं पूरी तरह, 6 महीने के अंदर मलेरिया, 1 साल के अंदर टाइफाइड और 2-3 साल के अंदर जॉन्डिस, 6 महीने के अंदर मेजर माइनर कोई भी सर्जरी नहीं हुआ हो और डॉक्टर्स उसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, तब उसको फिट घोषित करते हैं, तब वो उनका ब्लड टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है, 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये सब सारा चीज़ में वो खरा उतरते हैं तो वो जाके रक्तदान करते हैं। रक्तदान एक प्रक्रिया है जिसमें कि डोनर एक बैग होता है, ब्लड बैग, जिसमें 350 ml का कैपेसिटी होता है, उसमें लिया जाता है और उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट, उसका सारा टेस्ट होता है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, VDRL, ये सब टेस्ट में पूरी तरह नेगेटिव आने के बाद वो किसी भी पेशेंट को चढ़ने के लिए तैयार होता है। और रक्तदान में है कि जिनका जो ग्रुप है उसी ग्रुप का ब्लड को दिया जाता है। अगर पेशेंट का ग्रुप है बी पॉजिटिव तो रक्तदाता जिनका डोनर जिनका ब्लड जाता है उनका भी बी ही होना चाहिए और उसके बाद भी उसका क्रॉस मैच करके देखा जाता है कि वो क्रॉस मैच में ओके है कि नहीं, तब वो किसी के लिए भी जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा, ये जो जैसे ब्लड डोनर होते हैं, खून जो रक्तदाता होते हैं, तो रक्त दान करने से उन्हें क्या लाभ या हानि होती है या उन्हें क्या लाभ होती है? रक्तदाता को अगर वो अपने रक्त हर एक 3-3 महीने में देने के लिए होता है, वो हर एक 3 महीने में अपना रक्त वो दे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि एक तो आप अगर रक्तदान कर रहे हैं तो दूसरे की ज़िंदगी बचती है, जो भी मरीज हैं भर्ती उनको एक ब्लड मिल जाता है। उसके बाद रक्तदाता का ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो कम होता है और बहुत सारा टेस्ट जिनके बारे में हम आपको बताएं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, ब्लड ग्रुप, ये सब टेस्ट के लिए कभी भी वो तैयार होकर कोई भी लैब में नहीं जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। तो उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो जाता है जिससे डोनर को मालूम चल जाता है कि हमारा रक्त में किसी तरह का इन्फेक्शन है क्या, तो ये बड़ी चीज़ है, ये सब मालूम चलता है और हार्ट अटैक और ये कैंसर वगैरह का भी रिस्क कम हो जाता है और एक पॉजिटिव दिमाग में भी आता है और समाज के लिए भी वो अपना योगदान दे सकते हैं। रक्तदान करके किसी का जान बचा देना तो ये कम बड़ी बात नहीं है। क्या महिलाएं भी जो है रक्तदान कर सकती हैं? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, महिलाएं रक्तदान कर सकती है, उनके साथ है कि एक बॉडी वेट है, बॉडी वेट उनका 45
या 48 मतलब कि उससे ज़्यादा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का लेवल भी 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। और जिस समय वो रक्तदान करे उस समय लेडीज का मासिक नहीं चलना चाहिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उस समय नहीं रक्तदान कर सकती हैं, और जिनके छोटे बच्चे हैं 2 या 3 साल के हैं उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टेशन पीरियड। तो जिस समय बच्चे अगर कोई महिलाएं अपने बच्चे को अगर दूध पिला रही हैं उस दौरान वो रक्तदान नहीं कर सकती हैं। तो सारा चीज़ को देखते हुए उसके बाद वो मेडिकल डॉक्टर्स जो है उसको मेडिकली फिट करते हैं, देखते हैं ये सब चीज़ तो कम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी कुछ होता है तो वो अपना चेकअप करते हैं कि ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन या इस तरह का अदर कोई डिजीज भी हुआ है क्या, या चक्कर आने का प्रॉब्लम या कुछ है, तो वो पूरी तरह देख लिया जाता है तभी उसे रक्तदान के लिए कहा जाता है। क्या कोई इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं या कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन के होने के चलते कभी कभी जो है ब्लड डोनेशन करने के क्रम में, रक्तदान करने के क्रम में कोई साइड इफेक्ट या खुद में या जो है रक्तदाता को कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता हो, कोई प्रॉब्लम हो, कृपया बताइए किस कंडीशन में अगर होता है तो किस कंडीशन में होता है या नहीं होता है। कभी काल बहुत ही कम किन्हीं को ब्लड डोनेट करते समय चक्कर आता है, कभी काल ब्लड देख लेने से कि भाई हमारे शरीर से इतना ब्लड निकल गया, तो उस कंडीशन में चक्कर उकर आ सकता है, और ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, छोटे मोटे इशू होने के लिए वो डॉक्टर्स वहाँ पे रहते हैं ताकि वो चीज़ को जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं होता है। क्या कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव अगर है तो क्या वे रक्तदान कर सकते हैं? नहीं, कोई भी पेशेंट अगर वो HIV, जिनका HIV हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, वो परमानेंटली अनफिट होते हैं, वो रक्तदान कभी नहीं कर सकते और उनका ब्लड भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी पेशेंट को अगर जाएगा तो वो पॉजिटिव कर सकता है, तो उसका उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुरेंद्र वर्मा जी को, जिन्होंने जो है कि अपने बहुमूल्य विचार और अपने अनुभव और बहुत सारे बातें जो है हम लोगों को दिया है, हम झारखंड वासियों को दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इससे हमें लाभ होगा, हम झारखंड वासियों को लाभ होगा, विद्यार्थियों को लाभ होगा और हमारे व्यूअर्स भी जो है लाभान्वित भी होंगे। तो सुरेंद्र वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि भूतपूर्व जो हैं एशियन द्वारिका ब्लड बैंक के जो है इंचार्ज रहे हैं धनबाद के, और अभी जो है देवघर में जो है साइंटिस्ट एग्जीक्यूटिव जो है पद पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देख रहे हैं AK स्टडी सेंटर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर सनातन महतो का भी जो है काफ़ी योगदान है इस वीडियो बनाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सनातन महतो का भी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।